उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 7 जो है ना यार, इसके एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो बुक से हट के है, बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चन वो है जो एक्सरसाइज से आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम्पल से आए हुए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हट के आया हुआ वो भी मतलब ऐसा है कि मतलब उसकी सेंस नहीं बनती, मतलब उसको भी बुक का ही कंसीडर कर लो। अगर आप 7.2 देखो ना, 7.2 में आई गेस क्वेश्चन नंबर 10 है या 11 है, एक सेकेंड, जिसमें सब वर्ड्स को अरेंज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें अगर आप देखो तो चार वर्ड्स लिखे हुए, उनको आप अरेंज कर रहे होते हो, तो वर्ड डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही वाला है। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से ईयर का है, ये भी बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड, 7.2 का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये आपको मिलेगा 2010 में, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए है। और है क्या कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटेलिजेंट बी अरेंज्ड, कि आपने इंटेलिजेंट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो वर्ड क्या है भाई, इंटेलिजेंट, ठीक है। अब सॉल्व ऐसे कैसे करोगे इसको, बहुत इजी तरीका, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहली चीज क्या है भाई, वर्ड्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ लो सॉरी लेटर्स, लेटर्स कितने हैं इसके अंदर। तो ये जो वर्ड है इसके अंदर कितने लेटर हैं, 3, 6, 9, 11 टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 लेटर्स हैं। अब आप ये देखो कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम आई देखते हैं, आई दो दफा आ रहा है, तो आप लिखो नंबर ऑफ आईज, दो, आई दो दफा आ रहा है। इसी तरह नंबर ऑफ एंस, एन कितनी दफा आ रहा है, एन भी दो दफा आ रहा है। उसके बाद टी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टीज, टी जो है वो भी दो दफा आ रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए ई की, तो नंबर ऑफ ईस भी दो दफा आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नंबर ऑफ एल्स, तो वो भी दो दफा आ रहे हैं। और जी जो है वो तो एक दफा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें से पांच लेटर ऐसे हैं जो दो दो दफा आ रहे हैं। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, टोटल वर्ड्स आप किस तरीके से निकालोगे। फॉर्मूला इसका पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कि जब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और उसमें से कुछ अलाइक हो, कुछ एक जैसी हो, तो आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हो। टोटल ऑब्जेक्ट कितनी है, 11, तो आप ऊपर लिखो 11 फैक्टोरियल, और जो अलाइक है ना, जितनी दफा वो आ रही है उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते जाओ। तो माशाल्लाह ये पांच हैं जो दो दफा आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को आप लिख दो 5 दफा। लिखने में इस तरह है, अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना चाहो तो सिंपल आप इसको इस तरह सॉल्व करोगे कि 2 फैक्टोरियल की पावर 5 ले लो आप, ठीक है। या सिंपल सी बात है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 के बराबर, तो 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 32। आप जस्ट 11 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर में 32 से डिवाइड कर दो, मेरे पास में कैलकुलेटर नहीं है, आप इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। वो पॉसिबल आपके पास वेज आ जाएंगे जितने वेज से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो पास पेपर में आपको चैप्टर 7 के एस एच कुछ मिलेंगे नहीं, हाँ कुछ आपके पास आए हुए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के तौर पे, अगर आप 2011 का पेपर देखो तो उसमें आपको 7.2 का क्वेश्चन मिल जाएगा, 7.2 की एग्जाम्पल है पेज नंबर 224 पे, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह और मेरे ख्याल में कोई नहीं है, हाँ ये आई हुई है। और 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो और करके 7.3 का है, वो भी एग्जाम्पल्स आई हुई है। तो ये जरा हम देख लेते हैं कि इनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 की जितने एग्जाम्पल्स हैं, जो मुश्किल वाली हैं या जो इजी वाली हैं, वो सब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को इशू ना हो, तो उसको देख लो एक दफा में ही। तो 7.1 के अंदर ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है जो मैं आप लोगों को करवाऊं, काफी इजी इजी कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई मसला नहीं है। जो 7.2 पे आ जाओ, ठीक है, 7.2 के स्टार्ट में आ जाओ, मतलब 7.2 से पहले की बात कर रहा हूं, 7.1 के फौरन बाद। तो पेज नंबर 224 जो है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 तो खैर बहुत ही ईजी है, वो आप देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो आपके पेपर में आ चुकी है, और वो है भी काफी अच्छी एग्जाम्पल है, आप लोगों को मैं समझा देता हूं किस तरीके से आपने करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 और पेज नंबर है 224,
अच्छा जी, एग्जाम्पल है क्या आपको, कंडीशन ये गिवन है कि इफ एन पी थ्री इज इक्वल टू 12 टाइम एन अपॉन टू पी थ्री, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। और इसको आप इस तरह लिख देना कि गिवन, मतलब गिवन की हेडिंग बना देना कि गिवन दैट आपको फाइंड ये कर, आपको गिवन ये है और करना क्या है, फाइंड एन, आपको यहां पे मालूम करना है एन की वैल्यू। और कंडीशन का गिवन है एन पी थ्री बराबर है 12 टाइम एन अपॉन टू पी थ्री। अब आपने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस कंडीशन को यूज करके आपने बस सिंप्लीफाई करना है और एन की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा देख लेते हैं, एन पी थ्री 12 टाइम एन अपॉन टू पी थ्री। अब ये परमुटेशन है, परमुटेशन का फॉर्मूला आपको पता है, जो ऊपर चीज लिखी हुई होती है वो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर जो लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है उसको माइनस करो और फैक्टोरियल ले लो। ऊपर n था, नीचे 3 था, n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सेम काम यहां पे करो, 12 अपनी जगह पे आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा n अपॉन 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा n अपॉन 2 माइनस 3 फैक्टोरियल। जो ऊपर लिखा हुआ था माइनस जो नीचे लिखा हुआ था और वह आप फैक्टोरियल ले लोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, जो बड़ी चीज है मैंने पहले भी बताया था उसको आप कन्वर्ट करते हो छोटे छोटे फैक्टर्स में। अब n बड़ा है या n माइनस 3 बड़ा है, ऑब्वियसली n बड़ा है, तो अब n को कन्वर्ट करो नीचे। तो सबसे पहले n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां पे रुक जाओगे क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास आ गया है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे करोगे, n अपॉन 2 बड़ा है या n अपॉन 2 माइनस 3 बड़ा है, ऑब्वियसली n अपॉन 2 बड़ा है, तो आप इसको लिखने लग जाओ। सबसे पहले आप लिखोगे एन अपॉन, अच्छा पहले तो एन अपॉन टू आ जाएगा ना, एन अपॉन टू आ गया, फिर हो जाएगा एन अपॉन टू माइनस 1, फिर हो जाएगा एन अपॉन टू माइनस 2 और फिर एंड पे हो जाएगा एन अपॉन टू माइनस 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर आपके पास आ गया, दैट्स इट, मजीद एक्सपेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी रह गया उसको हम लिख लेते हैं, तो इधर बाकी क्या बचा है, एन एन माइनस 1 n माइनस 2, यहां पे क्या बचा है भाई 12, अच्छा n अपॉन 2, ठीक है। अच्छा चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दूंगा, n अपॉन 2 माइनस 1 n अपॉन 2 माइनस 2, ये आपके पास पूरा बच गया। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको कैंसिल करो, ऊपर 6 बचेगा, मतलब 2 6 जा 12 होता है ना, तो ये आपने कैंसिल कर दिया, ऊपर अब 6n बच जाएगा। बाकी जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे शायद जगह ना हो, मैं यहाँ पे जरा सॉल्व कर देता हूँ, अगर आपने कॉपी करना है तो इससे तस्वीर ले लो, स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, तो इनको आप अभी सिंप्लीफाई करो या ना करो, नहीं अभी नहीं करने की जरूरत। अच्छा एन जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, दिखने में आपको लग रहा है कि एन जो है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, एन भी आपने कैंसिल कर दिया। इस तरफ क्या बचा, अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, एक साथ में कर लूंगा, इधर n माइनस 1 बचा है, इधर n माइनस 2, अच्छा इक्वेशन के दूसरी तरफ 6 बचा हुआ है, इनको जरा आप सिंप्लीफाई कर लो, n अपॉन 2 माइनस 1 n अपॉन 2 माइनस 2। तो सिंपल एलसीएम लेना है आपने, पहले वाला फैक्टर हो जाएगा n माइनस 2 अपॉन 2, दूसरा वाला फैक्टर हो जाएगा n माइनस 4 अपॉन 2, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। मजीद सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और नीचे एक 2 जो बच गया ना वो जाके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब 2 यहां पे आ गया n माइनस 2 और यहां पे 3 बचा हुआ है 3 n माइनस 2 n माइनस 4। तो स्ट्रेट अवे सिंपल सिंपल जो आपने सिंप्लीफिकेशन थी वो कर ली, अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आपको इतना मसला नहीं होगा। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 n माइनस n माइनस 3 n प्लस 2, अच्छा ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 6 एन प्लस 8, 2 एन स्क्वायर माइनस 6 एन प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 एन स्क्वायर माइनस 18 एन प्लस 24। जितनी भी टर्म है इनको आप उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये उधर आके नेगेटिव हो जाएगा 3 माइनस 2 एन स्क्वायर माइनस 6, उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12, 4 उधर आके नेगेटिव हो जाएगा 24 माइनस 4 20 के बराबर,
तो आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करो, 10 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर बन रहे हैं इसके, तो -10n -2n +20 इक्वल टू 0। आप n कॉमन ले लो शुरू के दो टर्म से, इससे -2 कॉमन ले लो। दोनों टर्म में n -10 आ रहा है, पहली टर्म में से n बचेगा, दूसरी टर्म में से -2 बच जाएगा। आइदर दोनों को आप इक्वल टू 0 रखोगे, n -10 इक्वल टू 0, n -2 इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू 10 आएगी, जो के आप कंसीडर करोगे, जो के आपका रिक्वायर्ड आंसर है। n की वैल्यू 2 जो है इसको आप लिख दो डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं यार, इसकी सेंस भी बन रही है। रीजन ये है कि लेट कर लो, अगर आप n की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, क्योंकि आपने ऐसी n की वैल्यू मालूम करनी थी जो इसको सेटिस्फाई तो करे ना, अगर आप यहां पे 2 पुट करोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भाई ऊपर जो होता है, टोटल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उससे आप चूज करते हो ना, ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट 2 है, चूज आपने 3 कर लिए, सेंस नहीं बनती इस बात की। तो आप 2 पुट ही नहीं कर सकते। असल यहां पे जो n है वो क्या होना चाहिए था, कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि जो n अपॉन 2 है ना, ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इधर जो n होगा वो आप छोटा भी पुट करो चल जाएगा, कहने का मतलब अगर यहां पे आप 3 भी पुट कर दो चल जाएगा, लेकिन 3 यहां पे नहीं चलेगा क्योंकि 3 अपॉन 2 छोटा हो जाएगा ना 3 से। तो असल कंडीशन ये है कि n अपॉन 2 इस सवाल में, कि n अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और 3 के बराबर हो या 3 से ग्रेटर हो, ये दोनों चीजें या तो बराबर हो या ऊपर वाली चीज ग्रेटर हो। इसको रख के जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होनी चाहिए। कहने का मतलब इस सवाल में n की वैल्यू 6 एक्सेप्टेबल है या 6 से ग्रेटर हो। 6 से कम होगी तो इसको मसला होगा, अगर ज्यादा कम होगी तो इसको भी मसला हो जाएगा, ये इशू है। तो बुक में ये वाली कंडीशन लिखी भी, अगर आप देना चाहो तो दे दो, वरना खाली आप डिस्कार्ड लिख दो, मेक सेंस, कोई इतना इशू नहीं है। चाहो तो आप ये लिख दो कि भाई रीजन ये कि n अपॉन 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होना चाहिए, जबकि इस n की वैल्यू पे ये चीज तो आपको सेटिस्फाई होते हुए नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या है, n इक्वल टू 10, यहाँ पे आपने n की वैल्यू मालूम कर ली है। तो ये सवाल पास पेपर में भी आया हुआ था, बुक की एग्जाम्पल थी, मैंने करवा दी है। इसके अलावा बाकी एग्जाम्पल भी हम करते हैं, शायद वो भी पास पेपर में, मतलब आप लोगों के पेपर में आ जाए, जो ऐसी एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, अच्छी एग्जाम्पल्स हैं और थोड़ी मुश्किल भी है, वो सब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ, एक सेकंड, मेरा ये ब्लूटूथ माइक्रोफोन चल रहा है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ, आई तो नहीं है लेकिन अच्छी एग्जाम्पल है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विथ 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर बाय होस्टिंग 1 or 2 or 3 or 4 और ऑल ऑफ देम 1 अबव द अदर्स। देखो सबसे पहली बात है कि आपके पास 5 फ्लैग हैं और डिफरेंट कलर के हैं, इंपॉर्टेंट चीज। आपने सिग्नल बनाने, सिग्नल मैंने पहले भी बताया भाई, फ्लैग से आप सिग्नल बहुत बनाते हो। जैसे आप रेलवे पे जब ट्रेन जा रही होती है तो ये नहीं कि ट्रेन ने स्टार्ट किया, वो चलती जा रही है, मंजिल पे पहुंच गई है, दरमियान में उसको सिग्नल चाहिए होते हैं कि यार अगर पटरी का काम चल रहा है तो वो लाल सिग्नल, लाल झंडा होता है, जब उसको एक खास जगह बनाई होती है उन्होंने, तो जब उनको लाल दिखा देते हैं इसका मतलब वो समझ जाता है कि आगे काम चल रहा है या मैं आगे नहीं जा सकता, तो वो रोक लेते हैं वहां पे। जब खास मकाम पे पहुंचो, अगर ग्रीन झंडा है इसका मतलब ग्रीन सिग्नल है, आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सिग्नल बड़े जरूरी होते हैं, इवन आपने ट्रैफिक पे भी देखे हैं। लेकिन यहां पे सिग्नल हम लाइट से नहीं बना रहे, फ्लैग से बना रहे, कॉन्सेप्ट वही है। और सिग्नल हमारी मर्जी है, हम एक झंडे से भी बना सकते हैं, जैसे हमने लाल दिखा दिया या हमने ग्रीन दिखा दिया। अच्छा, हम बैक वक्त 2 झंडे भी कर सकते हैं, भाई हमारी मर्जी, हम कोई ऐसा सिग्नल बनाए जिसमें 2 झंडों की जरूरत है, ठीक है। हम कोई ऐसा सिग्नल बना सकते हैं जिसमें 3 झंडों की जरूरत है, ये भी हो सकता है, या 4 झंडों की, या उन्होंने बोला है कि सब, मतलब 5 के 5 झंडे भी आप बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, एक फ्लैग का भी सिग्नल बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, एट अ टाइम 3 का भी बन सकता है, 4, 5 इन सब का बन सकता है। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कितने तरीके से ये काम हो सकता है, ये पूरा सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 225 सही है। गिवन क्या है, नंबर ऑफ फ्लैग्स, फ्लैग्स कितने हैं भाई, 5 हैं, डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, हमें सिग्नल बनाने हैं।
तो सॉल्व करते हैं भाई, नंबर ऑफ वेज, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वेज, अलग अलग बात करते हैं, फिर हम टोटल सबको ऐड कर देंगे आपस में, अलग मतलब वन फ्लैग। अब ये काफी रॉ वर्डिंग है आपको भी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी भी इंग्लिश वीक थी, इतनी मुझे नहीं आती, तो रॉ वर्डिंग है बिल्कुल। बस इतना है कि आपको खुद समझ आ जाए, आप अगले को समझा दो, दैट्स इट। आपको कोई प्रॉपर ग्रामर का ख्याल नहीं रखना। तो अभी बात की जा रही है भाई वन फ्लैग का, सिग्नल अगर आपने बनाना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, जाहिर सी बात है कलर डिफरेंट है, आपस में ऑर्डर मैटर करता है। आप ग्रीन येलो रेड या रेड येलो ग्रीन, ये सब मैटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो आप परमुटेशन यूज करोगे। तो कैसे आप निकालोगे, जब वन फ्लैग होगा तो पॉसिबिलिटीज है, पांच झंडे हैं, उसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है, तो 5P1 हो जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन होती तो 5C1 आप कह देते, अगर यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता तो आपकी मर्जी, लेकिन यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है भाई। आप ग्रीन लगाओ वो अलग बात है, आप येलो लगाओ वो अलग बात है, अलग अलग ऑर्डर मैटर इनका कर रहा है। इसी तरह जब दो तीन फ्लैग की बात करेंगे तब भी यही कॉन्सेप्ट होगा। तो पांच में से एक चूज करने का क्या तरीका है, 5P1। अच्छा अगर आप कॉम्बिनेशन लेते तब भी यही होता, मतलब 5C1 भी 5 ही होता है भाई। अगर आपने पांच में से एक सेलेक्ट करना है, एक में तो ऑर्डर नहीं होता ना, मतलब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास पांच चीजें हैं, पांच चीजों को आपने अगर परमुटेशन निकालो या कॉम्बिनेशन निकालो, बात एक ही होती है। फर्क उस वक्त आता है जब दो चीजें हैं। परमुटेशन कहता है कि आप दोनों को आपने अरेंज करना है, कॉम्बिनेशन कहता है भाई अरेंज करने का कोई फायदा नहीं है, वहां फर्क आता है। जब एक ही आपने लेना है तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं होगा। बहरहाल 5P1 होगा। 5P1 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, और नीचे होता है 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये बराबर हो जाएगा 5 के। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल को आप लिखोगे ना 5 into 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि यार टू फ्लैग, अब यहाँ पे भाई परमुटेशन वाकई मैटर कर रही होगी, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हैं तो वो कहता है यार कोई भी दो फ्लैग चूज कर लो, लेकिन परमुटेशन कहती है कोई भी दो फ्लैग आपने चूज किए, फिर उनका ऑर्डर भी मैटर करता है, उनकी रेंज भी नहीं मैटर करती है। जैसे कॉम्बिनेशन कहता है रेड ले लो येलो ले लो, दैट्स इट, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन परमुटेशन ये कहता है रेड लो येलो, ये एक है, येलो लो रेड लो ये दूसरी है, ठीक है। तो परमुटेशन ऑर्डर मैटर कर रहा होता है रेड येलो या येलो रेड, कॉम्बिनेशन में नहीं करता। बार ये मैं साथ से बताता जा रहा हूं कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन में ये फर्क हो रहा होता है, ताकि आप समझ जाओ कि सवाल में आपने क्या करना है। यहाँ पे डिफरेंट कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ऑर्डर मैटर कर रहा है, और सवाल में उन्होंने सेंस भी बन रही है ना सिग्नल बनाने के। बहरहाल तो ये हो जाएगा 5P2, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 2 करोगे तो 3 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जस्ट बचेगा 5 into 4, जो के बराबर होता है 20 के। फिर हम बात करते हैं तीन फ्लैग की, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा अगर तो आपको स्पेसिफिक कर देना कि यार ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मैं साथ इसलिए बता रहा हूं कि वर्डिंग चेंज भी हो सकती है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, डेफिनेटली पर कॉम्बिनेशन यूज करनी है। जब तक कोई ऐसी रियल वर्ल्ड सिचुएशन है जिसमें आपको पता चल जाए कॉम्बिनेशन ही होनी है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन का मतलब अगर आपको कोई टीम सेलेक्ट करनी है, 15 खिलाड़ी हैं उसमें से 11 सेलेक्ट करना है, तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता यार, आप पहले बाबर को करो या पहले रिजवान को करो, मैटर नहीं करता 11 खिलाड़ी कौन से मैटर कर रहा होता है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कॉम्बिनेशन, लेकिन जिन सवालों में परमुटेशन है अगर उनको कॉम्बिनेशन से उन्हें करवाना है तो वो साथ मेंशन कर देंगे ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब नेचुरली ये सवाल परमुटेशन का है, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दें कि यार ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसका मतलब वो आपको फोर्सफुली कह रहे हैं कि यार ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो जरा इन चीजों को देख लेना, लेकिन इतनी चेंजिंग करते नहीं है वो। अभी हो जाएगा 5 into 4 into 3, ये होता है 60 के बराबर। अच्छा फिर होगा 4 फ्लैग, ये हो जाएगा 5P4, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, जो कि सिंपल 120 के बराबर हो जाएगा। और फिर आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है, 5 में से 5 ही झंडों को आप ले जाओ, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये भी 120 के बराबर हो जाएगा। 5P4 या 5P5 दोनों का आंसर सेम ही आ रहा होता है, 5P4 में भी यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल नीचे आए या 0 फैक्टोरियल आए, बात एक ही होती है, दोनों का आंसर 1 के बराबर होता है।
तो 5p4 या 5p5 दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 120 के बराबर आ रहा है। तो अब आखिरी हल है कि आपको क्या करना है, टोटल आपको बताना था ना, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे कि आप इन सबको ऐड कर दोगे, 5 + 20 + 60 + 120 + 120, तो 120 240 + 60 = 320 325, तो टोटल 325 सिग्नल्स आप बना सकते हो। ऐड आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि एट अ टाइम आपने नहीं लेना, या तो आप ये वाला सिग्नल बनाओगे मतलब एक आपने झंडा चूज किया, या आप दो झंडों का फ्लैग बनाओगे सिग्नल बनाओगे, या आप तीन झंडों का सिग्नल बनाओगे। एट अ टाइम तो कुछ नहीं हो रहा ना, या तो तीन फ्लैग का बनाओ, या तो दो का बनाओ, या चार का बनाओ, तो एट अ टाइम पे सब कुछ नहीं हो रहा। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल आप इन सबको ऐड कर रहे होगे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है बहुत ईजी, बिल्कुल बुक के कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 अगेन पेज नंबर यही है 225। इसमें है क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स ऑन केमिस्ट्री, 5 बुक है भाई केमिस्ट्री की, 4 बुक ऑन फिजिक्स, 4 बुक है फिजिक्स की, बी प्लेस ऑन अ सेल्फ सो दैट बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन टुगेदर। कि केमिस्ट्री की बुक एक साथ रहे हमेशा, फिजिक्स की बुक एक साथ रहे हमेशा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो भाई गिवन क्या है जरा वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स है, हाँ, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स 5, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 4 है, ये आपको गिवन है। अब जरा आपने पॉसिबिलिटी निकालनी है, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। बुक में मेंशन भी किया हुआ है, द 5 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री कैन बी रेंज इन नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 बुक्स ऑन केमिस्ट्री। आपकी मर्जी, अगर आप एक लाइन में लिखना चाह रहे हो एक लाइन में भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपने 5 केमिस्ट्री की बुक को आपस में अरेंज करना है तो कितने तरीके होते हैं 5 factorial। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि लेट कर लो आपके पास ये 5 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 केमिस्ट्री की हैं। लेट कर लो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फिर यूनिवर्सिटी लेवल की 3-4 बुक्स केमिस्ट्री की हैं। अच्छा, फिर इसी तरह आपके पास 4 फिजिक्स की हैं, 1 2 3 4, लेट कर लो मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कोई 4 बुक है आपके पास। अब वो बोल रहे हैं यार आपने डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है, लेकिन इस तरीके से कि केमिस्ट्री की बुक हमेशा साथ रहे, फिजिक्स की बुक हमेशा साथ रहे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, टोटल मिला दो तो 2 ग्रुप है यहाँ पे। इन 2 ग्रुप को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। या तो पहले इस ग्रुप को रखो फिर इसको रखो, या पहले इसको ले आओ इसको बाद में ले जाओ, तो 2 तरीके हैं, मतलब 2 factorial 2 के बराबर होते हैं। लेकिन अब इन बुक्स को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हो ना, ये जो 5 केमिस्ट्री की हैं क्या ये आपस में अरेंज नहीं हो सकती, मतलब इसी अरेंजमेंट के अंदर मैं इनको 5 तरीके से 5 factorial अंदाज में अरेंज कर सकता हूं। ये 5 केमिस्ट्री की बुक है, इनको आपस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 factorial। ये आपने बेसिक परम्यूटेशन में पढ़ा था कि जितने ऑब्जेक्ट हैं अगर उन्हीं को आपने आपस में अरेंज करना है तो जो जितने ऑब्जेक्ट हैं उतना फैक्टोरियल उनका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 केमिस्ट्री की बुक है, ये 5 factorial अंदाज में अरेंज होंगे। इसी तरह ये 4 बुक भी तो आपस में अरेंज होंगे ना, तो ये कितने फैक्टोरियल में होंगे, 4 factorial। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 factorial × 4 factorial। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं पूरा। अच्छा इसको जरा देख लो, फेसबुक की बात करते हैं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 बुक्स ऑन फिजिक्स। अच्छा चाहो तो नेक्स्ट स्टेप एक लिखना, मेरे पास जगह नहीं है नेक्स्ट स्टेप के लिए, लिख देना 120। अच्छा 4 बुक्स को अरेंज करने कितने तरीके, 4 factorial 4 factorial होता है 24 के बराबर। तो फिजिक्स की बुक को अरेंज करने कितने तरीके हैं, 24 है। उसके बाद वर्डिंग ये लिख दो कि इन दोनों को आपस में अरेंज करने कितने तरीके हैं, द 2 ग्रुपिंग ऑफ द बुक्स, सिंपल लिखो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 2 ग्रुप्स
कितने तरीके होंगे? 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 के बराबर होता है। एंड पे आप लिखो टोटल। ये तो आप अलग अलग सबकी वेज निकाल रहे थे ना, अब आपको टोटल निकालने। अब सवाल ये कि आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे। ऐड क्यों नहीं कर रहे? रीजन ये कि सब काम एक साथ हो रहे हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग भी एक साथ आपने करनी है, इनका ऑर्डर भी एक साथ हो रहा होगा। मतलब ये ग्रुपिंग आप लेट कर लो, पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स का ग्रुप है, कंसिडर कर लो केमिस्ट्री की ये वाली बुक पहले है, ये बाद में, नेक्स्ट वाले अरेंजमेंट में ये पहले ये बाद में, इस तरह इनके आपस में अरेंजमेंट चेंज कर लो। तो ये तीनों काम एक साथ हो रहे होंगे, फिजिक्स की बुक को आप अरेंज कर सकते हो, केमिस्ट्री को अरेंज कर सकते हो, इन दोनों ग्रुप को आपस में अरेंज कर सकते हो, तो ये सब काम एक साथ हो सकते हैं। अगर तो एक साथ ना होते, अलग अलग होते, जैसे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ये आप केमिस्ट्री को अरेंज कर सकते हो, फिजिक्स को नहीं कर सकते, फिजिक्स को कर सकते हो, केमिस्ट्री को नहीं कर सकते, इन दोनों को आपस में अरेंज नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी कंडीशन होती जो कि अजीब सी हो जाएगी, तो तब आप ऐड करते हैं। लेकिन ये सब काम एक साथ आप करोगे, ठीक है? तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, 120 into 24 into 2, 24 को 2 से करो 48, 48 को 120 से करो, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, 240 को 24 से कर लेते हैं, हाँ 240 को 24 से करो, 2400, 4800, और ऊपर से जा रही है, देख लेना इसको, रात के 3:30 बज रहे हैं तो इसलिए बैटरी डाउन है पूरी, वैसे भी बैटरी ऊपर भी होती तो टाइम लगता है इसको करने के लिए, इसको देख लेना आप लोग, मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास टोटल वेज आ जाएंगे कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। और सॉरी, बुक में लिखा होता है, मैं भी अजीब हूँ, बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है 5760 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, और ये सेंस भी बनती है, बहुत ज़्यादा तरीके बन जाते हैं। एक अरेंजमेंट ये है कि आपने केमिस्ट्री रखा फिर फिजिक्स, इन दोनों बुक को आपस में अरेंज कर दिया, मतलब ये बुक नंबर 1 पहले रखी, बुक नंबर 2 बाद में रखी, फिर बुक 3, बुक 4, बुक 5, फिर नेक्स्ट में क्या करो, बुक 2 को पहले कर दो, बुक 1 को बाद में कर दो, एक अरेंजमेंट बन जाएगी। फिर आप सोचो इस तरह कितने अरेंजमेंट बना सकते हो। इसी तरह अगर आप इसके साथ खेल लो, साथ साथ आप इसके साथ भी खेल सकते हो, कि जब यहाँ पे आपने बुक 2 पहले रखी, यहाँ पे आप बुक 4 पहले रख दो, एक अरेंजमेंट ये बन जाएगी। तो आपस में आप पता नहीं कितने तरीके से खेल सकते हो, या आप नेक्स्ट अरेंजमेंट में इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, ये एक तरीका खेल लिया, तो बहुत ज्यादा तरीकों से आप कर सकते हो। बहरहाल जरा कॉपी कर लो इसको यार, हम स्क्रीनशॉट ले लो।